सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट निबंध के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। इसको ट्रिक के सहायता से बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, क्या आप गलती करते हो जिससे आपको फुल मार्क्स निबंध में नहीं मिल पाते हैं? देखो, थोड़ा सा कि आपको कोटेशन टाइप का लिख देना है कि हम सबकी ये है जिम्मेदारी प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। इस तरह का कोटेशन आपको लिख दोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा और ये टीचर को क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है, यानी आकर्षित करता है। अब देखो, इसके बाद आपको हेडिंग देना है ब्लैक पेन से प्रस्तावना। ठीक है, कुछ प्रस्तावना रखना आपको, जैसे विश्व में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? वातावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। देखो, यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ भी दे रखा है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ये इसकी प्रदूषण का अर्थ हो गया। इसके बाद लिखना है प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूप में दिखाई पड़ता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे कुछ मुख्य दे रखा है। ठीक है, कुछ मुख्य लिया गया है। अब फर्स्ट बात में बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण का। पहली हेडिंग हमारी रहेगी वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण आप देख रहे हैं कि आजकल इतने मोटर वाहन आ गए हैं कि वायु का दूषित हो जाना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसके लिए भी सरकार उपाय कर रही है CNG गैसों का, बैटरी की गाड़ियों का। तो इसको देख लेते हैं कि वायुमंडल में विशेष प्रकार की कैसे अपने विशेष अनुपात में उपस्थित रहती है। ठीक है, वायुमंडल में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित रहती है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर देता है। अब देखो, अगर वायु को कोई प्रदूषण कर रहा है तो वो मानव ही है सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाला। तो वायुमंडल में विशेष प्रकार की गैस की परतें होती हैं, अनुपात में होती हैं। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जीवधारी हैं तो हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये पौधे लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को छोड़ते जो हमारे काम आता है। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है, ये तो आम बात है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा जल का प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जल है तभी कल है, जल ही जीवन है। जल में तत्वों की, जैसे जल में खनिज लवण, कार्बनिक गैसें मिल जाती हैं अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जल जो होता है हमारा प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कोटेशन टाइप के ब्लैक पेन से लिखने के बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जल से रिलेटेड आपको कोई भी कोटेशन याद है। लिखने से क्या होता है कि आप वो टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है इस चीज़ से। अब देखो, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रेन तथा कारखाने, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, देखो इन सबको ब्लैक करने से कितना अच्छा लग रहा है। अत्यधिक ध्वनि से मनुष्य में बहरापन, सुनने की शक्ति कम भी हो जाती है। तो ये रहा। ठीक है, पहले तो जानवर भी प्रदूषण करते थे, अपने चिहार लगाते थे, चिल्लाते थे, लेकिन इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं था, वो अपने जंगल में ही करते थे। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक जो है मनुष्य के बीच में ही प्रदूषण को लाकर रख दिया है। अब देखो, रासायनिक प्रदूषण क्या है? आज की अत्याधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम देखिए जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है और जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए अच्छे अच्छे कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, अच्छे अच्छे केमिकल का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। ठीक है, वो केमिकल भी दवा, वो जो फल होता है वो अवशोषित करता है और उससे भी जनता जो होती है उससे भी प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयाँ, 10 कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग किया, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, कीट भी बढ़ रहे हैं और जहरीले से जहरीले कीटनाशक का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण के कारण। ठीक है, प्रदूषण के क्या कारण है? पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से संख्या वृद्धि है। जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो प्रदूषण बढ़ रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, लाउड स्पीकरों की संख्या बढ़ रही है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है।
दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम, सबसे पहले तो बढ़ रही है जो जनसंख्या है उसके लिए रोकथाम लगाना है, क्योंकि जनसंख्या आएगी तो प्रदूषण बढ़ेगा, उसके पालन पोषण के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाएगा, उसके इधर उधर जाने के लिए वाहन का उपयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ती हुई जनसंख्या पर आप अगर नियंत्रण कर लेते हो तो जो जनसंख्या वृद्धि वो रुकती है तो प्रदूषण भी रुक जाएगा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षा का रोपण किया जाए, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, बल्कि उनको ये रहेगा कि दफना दिया जाए, तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ लगाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो, और कल कारखानों में चिमनियों का प्रयोग किया जाए जिससे धुआं जो काफ़ी ऊपर चला जाए। अब देखो इसके उपसंहार यानी इसके जो रिजल्ट है वो निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन को भी पूर्ण रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य भी करना चाहिए, जो भी उचित हो सके उसको करना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। वृक्षों को लगाने से भी जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो 10% कम होता है, तो इन सब पे भी सरकार को काम करना चाहिए, जिससे कि आज के प्रदूषण के कारण ही लोगों के दिमाग में चिड़चिड़ापन, लोगों के सोचने समझने की शक्ति कम, लोगों के याद करने की शक्ति कम, ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसका असर और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।